और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। सर ये ऐसे हाँ ठीक 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 आप बड़ी देर से कहा जा रहा है ना, ठीक है वो ठीक है वो आप चला रहे हो, सुरक्षा पर्पज से नहीं मिलने दे रहे, जाओ। दादाजी ने बनवाया है, अब आर्मी में दो बार वो उनको नौकरी भी मिल चुकी है, उससे उसके पैसे से हमारा घर बना ये। अभी नापी भी नहीं हुई है, और जो पहली नापी हुई तो सिर्फ बाउंड्री वाला आया था, और उसके बाद जब सेकंड नापी हुई तो उसमें पूरा घर दिखा दिए लोग कि अवैध कब्जे में बना। तो क्या पहले इसके पहले भी इस बात को कहते थे लोग अवैध कब्जे की बात? नहीं ना, एक नापी आप लोगों कागज दिखा के की गई? नहीं, आपके घर की किसी को बुलाया गया कि आज कागज अपना देख ली? जेल में है वकील अंकल बसते हैं, उनके सामने जो नापी हुई है वो बोले हैं कि नापी सही नहीं हुई, नापी कैसे हो रही है, खेत में सब फसल लगे हुए हैं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं वो तो हमें किसी से मिलने ही नहीं दे रहा है, बात नहीं करने दे रहा है, और ना हमें टाइम से जहाँ जा रहे हैं, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ, हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा है टाइम से। कल मैं दो बार कहाँ जा रही हूँ, कितने लोगों के साथ जा रही हूँ, हर चीज़ पूछा जा रहा है, नाम लिखा रहा है हम लोगों का, तब हम लोगों को पूछ रहा है। कौन पूछता है ये? पुलिस प्रशासन। घर से गए पापा, और फिर बात तुर जैसे ही गए वहाँ से हल्ला हो गया, गाँव वालों से पता चला कि पापा की वहाँ डेथ हो गई है, और फिर भीड़ में आके जनता वहाँ जो भी किया हो उस वो हम लोगों को नहीं पता है कि वहाँ कैसे क्या हुआ है। मैं आप लोग की पढ़ा, लेकिन हमारी सबसे हत्या पहले पापा की माँ हुई है। आपके आपके दादा को भी अरेस्ट किया गया है? हाँ, मेरे दादाजी घर पे थे, वो गए और वो तुरंत गिर गए। तो सैनिक भी हैं, सैनिक भी रहे, तो अभी आपकी सरकार से और समाज से क्या मांग है? क्या यही है बहुत बोल रहे हैं जो हम लोग को टॉर्चर करके रख दिए। अरे भाई बच्चे जो बात बोल रहे हैं, सरकार से समाज से क्या मांग है? सरकार से समाज से क्या मांग है? अखिलेश यादव आ रहे हैं, अब उन्हीं से हमें आना चाहिए। तो मांग क्या आपकी सरकार से समाज से? बस यही, हमें कि हमारे घर को ना गिराया जाए, हमें बेघर ना किया जाए, जो मुजरिम है उसे पकड़े, सीबीआई जांच हो, हम लोग को भी इतनी मिले। तहरीर मुकदमा लिखने के लिए तहरीर दिया है कि नहीं दिया? तहरीर दिया आपने? तहरीर दिया है? एफ आई आर दर्ज हुआ आपका? अभी नहीं। से पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष और कई बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं, ये पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इन्हें परिवार से मुलाकात की है, क्या स्थिति है वहाँ? मीडिया को तो जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, वो आपके साथ भी हुआ, और जब हम लोग अंदर गए, हम लोग परिवार से बातचीत कर रहे थे, तो हम लोगों को बातचीत करने से भी रोका जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पूरा मतलब अघोषित आपातकाल की स्थिति। प्रेमचंद यादव जी की बेटी जो 12th क्लास में पढ़ती है, माइनर बच्ची है, उसका ये कहना है कि उसको कहीं भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा है, उसके पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं वो एक जाति विशेष के लोग लगाए गए हैं, और वो जाति विशेष के लोग जो है, जो मिलने जा रहा है, चाहे परिवार का रिश्तेदार हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उसके साथ भी बदसलूकी करने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर एक बलजोर सिंह नाम का इंस्पेक्टर है, वो बहुत ही बदतमीज किस्म का है, और वह बच्चों को भी डांट रहा है कि तुम लोग जो है मिल रहे हो तो कोई बात मत बताओ। तो इस तरह की बात जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जो बहुत ही मतलब जितना भी कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश की सरकार ने एक उस परिवार को कैद करके रखा हुआ है। तमाम हमारे साथी हम लोग मिलने के लिए गए थे, अब बड़ी मुश्किल से हम लोगों को 5 मिनट का वक्त मिला मिलने के लिए, और वो भी
पुलिस चारों तरफ से घेर के खड़ी रही। तो भाई आखिर क्या सरकार क्यों डर रही है, पुलिस के लोग क्यों डर रहे हैं? मुझे तो लग रहा कि पूरी तरह से साक्ष्यों को छिपाया जा रहा। रही बात उनके घर पे एक नोटिस मैंने पढ़ा, अगर कोई सामान्य व्यक्ति नापी कराने के लिए एप्लीकेशन दे तो SDM कहता है कि जब खेत खाली होगा तो नापी होगी। आखिर जब चारों तरफ जो है फसलें लगी हुई हैं तो कैसे इन्होंने खेत की उस जमीन की नापी करा दिया? और सर और जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है, उसके घर उसका जो बच्ची बता रही थी प्रेमचंद की बेटी कि उसके वो अपने चाचा के साथ देवरिया में रह के पढ़ती, घटना के बाद जैसे ही उसके चाचा सुनते हैं घर आते हैं पुलिस उनको घर से अरेस्ट कर लेती। उसके दादा जो फौज के रिटायर्ड सिपाही हैं उनको जो है जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह की जो दमनात्मक कार्रवाई जो एक तरफा की जा रही है ये गलत है। उनकी बच्चियों का तो आरोप है कि वो जो लड़का है जो उस परिवार का जो दिवेश जो है जिसको लेके यहाँ का सलमणि त्रिपाठी जो विधायक घूम रहा है तो वो जो उसने ही हत्या की है, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं। इन बच्चियों से कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं लिया गया, कोई प्रेमचंद के परिवार से तहरीर नहीं ली गई। आखिर उस व्यक्ति की तो हत्या हुई है, आखिर उसकी हत्या किसने किया? और उनकी पत्नी और उनके बच्चों का जो कहना है कि उनको पूरी तरह से हाउस अरेस्ट करके रखा गया है जो गैर कानूनी है, और इस ये गैर कानूनी काम सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करवा रहा है। पूरी तरह से जो तहरीर दी गई है फर्जी है। एक तो जो व्यक्ति नहीं है उसको आपने मुलजिम बना के जेल भेज दिया, उनके पिता जो रिटायर्ड हैं घर पर रहते हैं उनको आपने मुलजिम बना दिया, गांव के कई जो है हम करें जो जाति एंगल जो लोग दे रहे हैं उस FIR में तो ब्राह्मण भी है। आप ब्राह्मण के घर की नापी क्यों नहीं कराते हो? क्या वो वैध नहीं बनाया होगा? वो खरिहान में नहीं बनाया होगा? वो घुरगड्ढे में नहीं कहीं कब्जा किया होगा? ये गांव है, गांव का जो ताना माना होता है अगर कोई फुट दो फुट जो है कहीं किसी का है भी है तो वहाँ बुलडोजर नहीं चलता। और साफ साफ इस बात को कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी औकात में रहिए, अपना बुलडोजर लखनऊ रखिए। अगर आपका बुलडोजर देवरिया की तरफ बढ़ा तो पूर्वांचल में आजमगढ़ जिला पड़ता है ना, वहीं रोक दिया जाएगा और आपको भी वहीं रोक लेंगे हम लोग। ये चलने नहीं देंगे, किसी की गुंडई और जबरदस्ती नहीं चलेगी। वहाँ जो बच्चों के साथ जो प्रशासन का व्यवहार है वह बहुत ठीक नहीं है। वहाँ बच्चों को खाने पीने की दिक्कत है, क्योंकि वहाँ उनको कहीं आने जाने का सामग्री, खाद्य सामग्री, जब वो कहीं आएंगे जाएंगे तब तो व्यवस्था कर पाएंगे। किसी रिश्तेदार, किसी उनके संबंधी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो तमाम सारी दिक्कतें हैं। उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, ये प्रेमचंद की बच्ची का कहना है, जो यह बहुत ही गलत है। प्रशासन का यह रवैया बहुत ही गलत है कि बच्चों तक को हाउस अरेस्ट किया गया है। और हम लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर लोगों से बात किया और बहुत मुश्किल से वहाँ पर जा पाए अंदर, और आने जाने के बाद जो है वहाँ पर उनकी जो बच्चियाँ थीं, उनकी जो पत्नी थीं, उनके जो चेहरे पे डर था, भय था। वो डर भय एक तो एक व्यक्ति के पति की हत्या हुई है महिला के, और बच्चों के जो है पिता की हत्या हुई है, एक उस शोक में है और दूसरा प्रशासन का डर। वो डर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको हम पुलिस के सामने बोलने से डर रहे हैं। और जिस तरीके से रोका गया, मतलब कुछ बात है जिस बात को शासन प्रशासन चाहता है कि ये बात नहीं आए। हमने जब इस बात को लेकर बात किया कि आपके यहाँ योगी जी आए, मंत्री आए, बहुत राजनीतिक बच्चे नहीं हैं, सामान्य बच्चे हैं, 11-12 के, उनको एहसास भी नहीं हो पा रहा था। तो इसके बाद में उन्होंने जब पूछा हमने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं आया। और इसके बाद हमने कहा कि आप जो है आपको अभी डिमांड क्या है, आपको क्या किस बात का क्यों डर लग रहा है? उन्होंने कहा कि मेरे दादा को जिस तरीके से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, वो पूर्व सैनिक हैं, और जिस तरीके से बार बार ये आ रहा है कि हमारा घर ढहा दिया जाएगा, और इंसाफ का क्या तकाजा है कि बुलडोजर चला दिया जाए। बार बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम अपनी बात प्रशासन से करना चाहते हैं तो प्रशासन क्या हमको जाने नहीं दिया जा रहा है, किससे मिले ये उनको नहीं मालूम है। तो मैं साफ कहना चाहूँगा कि एक तरफ एक ही जगह पर दो परिवारों के साथ हिंसा हुई, और जिसके लिए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, उनकी पॉलिसी जिम्मेदार है, ना कि वो दोनों परिवार जिम्मेदार हैं। और आज लोकल विधायक
एक परिवार के व्यक्ति को लेकर के महाशोक सभा कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्चस्व की बात कर रहे हैं और दूसरे जगह पर छावनी में तब्दील कर दिया। मानता हूँ डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को भुला करके मारा और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से।